हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है फर्स्ट डे इन माइका और मैं उठ गई हूँ। टाइम हो गया है सुबह के 10:30 और मैं बिल्कुल अभी अभी उठ के आई हूँ। और टफी तब से मैं हूँ तब से देखो इस साथ खेल रहा है। इतना अच्छा लगा इसको अपना टॉय। अच्छा लगा टफी को टॉय। इतना अच्छा टॉय लगा टफी को। और देखो टफी ने पीछे से इसे पाड़ भी दिया। ओके, तो ब्रेकफास्ट में क्या बना है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मम्मी ने बनाया ब्रेकफास्ट में चीला, एंड मैंने जो सीखा था मम्मी से, मम्मी वही बनाती है घर पे। और मेरा भाई वहाँ बैठ के खा रहा है और टफी खेल रहा है। और अब मैं अपने लिए, मम्मी मेरे लिए बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगी आज, मम्मी बनाएगी मेरे लिए क्या सैंडविच। मुझे खाना है सैंडविच, आप पहले खा लो फिर मेरे बना देना सैंडविच। और ये मेरे ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाई है सैंडविच। इसमें है ककड़ी और चुकंदर विद टमाटर, थोड़ा सा नींबू ऊपर से डाल लूंगी, मसाला। ये ग्रीन चटनी बनाई हुई थी हमने, तो उसको मैंने नीचे से लगा लिया है बेस, और वो प्लेन है, प्लेन रखूंगी इसके ऊपर। तो ये हुआ मेरा ब्रेकफास्ट आज का, और मैंने और सबको तो आपको दिखा ही दिया था। लेट्स ईट। तो अभी हो गया है 12:30 और हमारे टफी घूम रहा है, खेल रहा है। और मैंने भी आज बहुत सारी मस्ती की, कुछ भी नहीं किया, ऐसा काम वाम भी नहीं किया, और बिल्कुल कुछ भी नहीं, टोटली रेस्ट है ना टफी, क्या किया, टोटली रेस्ट। मम्मी बना रही है खाना, लंच का टाइम हो गया है। और मम्मी ने, मम्मी दिखाना, तो मम्मी ने पहनी है सुंदर सी साड़ी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटीफुल। और मम्मी को साड़ी पसंद है, मम्मी मुझे डेली बोलती है जब कॉल करते हैं, क्यों नहीं पहनती साड़ी, साड़ी पहना कर, सूट मत पहना कर। पर वहां पे क्या होता है, कोई नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ क्यों ही पहनी। और यहाँ बना है टफी का खाना, ये बन गई है टफी की और हम सबकी बनेगी। यहाँ बना ये कढ़ी और बहुत दिनों बाद मम्मी के हाथ की रोटी। कैसा लग रहा है मम्मी, अब मैं आ गई हूँ आपको, तो इस टाइम हम गर्म रोटियां खाएंगे, वरना हम भी सुबह बना के रख देते हैं। और मम्मी ने आज गरम बनाएगी मेरे लिए, वरना मम्मी सुबह रख देती है सबकी, बट मैं आई हूँ तो ऑफकोर्स गरम बनेगी। मैं और दीपांशु, यहाँ थोड़े से मैंने नमकीन चावल पुलाव बना लिए थे सुबह ही लंच के लिए, तो मैं थोड़े से ये लूंगी। टाइम फॉर सैलेड एंड चटनी, ये सब हम खाएंगे। और लस्सी भी है ऑफकोर्स, तो मैं दिखाऊंगी अब लंच तैयार होने के बाद। और टफी क्या कर रहे हैं, टफी सब बोल रहे थे कि बहुत दिन हो गए टफी से मिले हमें, कमेंट में टफी को भी याद कर रहे थे। क्या है टफी, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो टफी। सब बोल रहे थे टफी की भी याद आ रही है, टफी को कब मिलवाओगे। चलो टफी का पुच्चू कहाँ है, पुच्चू, ओ टफी का पुच्चू, टफी का पुच्चू कहाँ है, जाओ लेके आओ, दिखाओ सबको पुच्चू। और ये देखो ये क्या कर रहा है, ना दो भी लेकर कभी। चलो खाना खाएंगे, आज दीदी खा देती है। तो अभी हम करेंगे लंच, आज मैं इतना व्लॉग भी नहीं बना, देखते रात तक कुछ शूट होता है वरना नहीं। और अभी मैं डाल लेती हूँ फटाफट सबका खाना, फिर हम खाना खाएंगे। और ये हो गई है हमारी प्लेटिंग रेडी, सैलेड चटनी कड़ी मेरे चावल एक रोटी और सबका खाना। और ये 50 रोटी मेरे भाई की, इसको नहाने वाने की जरूरत ही रहती, 20। और टफी टफी खाना, ये लो ये खा लो, ये रखा टफी का खाना, जल्दी आओ टफी भी खाएगा रोटी और कढ़ी, शाबाश खा लो टफी। और अभी हम देखेंगे मूवी, ये नहाने धोने की जरूरत नहीं रहती क्या घर में, नहा तो लिया 3 बार नहाऊं, कब नहाया है, मेरी कौन लेके जाएगा, मम्मी ये लेके गए हम ये। और अभी हम करेंगे लंच, आज बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कुछ भी बर्डन और प्रेशर कैसे भी चीज का नहीं है, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। और अभी चलाया है हमने फायर टीवी, बढ़िया से देखेंगे एक मूवी। ओके हाँ। तो लंच करते करते हम एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भूत है इसमें, एकदम बिल्कुल हॉरर है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। क्या नाम है इसका, आई टी इट, बहुत ही ज्यादा भूत है इस मूवी में, बहुत डरावना भूत है। और ओ माय गॉड, ओके आप लोग नहीं डराते हैं और हम ही डर लेते हैं आज ना। घर में सब सो रहे हैं और मेरे भाई का फोन आया था, तो मैं बाहर चार्जर लेने आई और टफी मेरे साथ साथ आ गया, मतलब मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना ये पूरा टाइम मेरे साथ है, अब देखना आएगा। मतलब मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ, बैठ के काम करूँगी टाइम, और मतलब बाहर है बहुत अच्छा बारिश का मौसम, और जहाँ भी मैं जा रही हूँ टफी सो जाओ, दीदी कहीं नहीं जा रही, दीदी यहीं पे ही रहेगी थोड़े दिन टफी के पास, सो जाओ आराम से, रेस्ट करो जाओ टफू। ये दिखाओ सबको, दिखाओ ना टफी कितना सुंदर लग रहा है, दिखाओ ना सबको हमारा कालू लाम कैसा है, हमारा कालू लाम कितना अच्छा है,
हो जाओ दीदी यहीं पे ही है। और आज मैंने बोला नहीं कि मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज मैं रेडी नहीं हुई। घर पे रखे हुए अपने कपड़े पहन लिए जो बहुत ही बढ़िया है, खुले खुले हैं, और सब सो गए थे लंच वंच करके, और मैं उठ रही हूँ। मुझे नहीं सोना क्योंकि मेरे पास काम है जो कभी ख़त्म नहीं होता मेरा, तो मुझे वही करना है। और ये सिक्योरिटी गार्ड छोड़ा हुआ है अपने यहाँ पे, बना हुआ है सिक्योरिटी गार्ड, मैं जहाँ भी जा रही हूँ साथ। एक बार दिखाती हूँ चल के, मैं बाहर जाती हूँ देखना। दीदी यही है, तू भी छोड़ जाओ, दीदी भी बेचा काम करेगी। और बाहर बहुत ज्यादा बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश ही आएगी 100% ही आएगी। देखो आ जाओ टफी, अंदर आ जाओ, आ जाओ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मौसम हो रखा है, तो बिल्कुल मौसम हो रखा है, बहुत तेज हवा चल गई है। टफी डरा हुआ है, टफी अंदर आ जाओ, टफी आ जाओ अंदर, पक्का बारिश आएगी, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। पता नहीं कैमरे में दिख भी रहा है इतना या नहीं, लेकिन हवा बहुत तेज, देख लो ऐसे हवा है। तो ऐसे ऐसे मिट्टी गिल्ली होने की खुशबू आएगी अभी, और मेरी फेवरेट है। तब बारिश स्टार्ट होती है ना, इतना मिट्टी गिल्ली होती है, बहुत खुशबू आती है, बहुत अच्छी। कुछ नहीं हुआ टफी, गिर डर रहा है क्या है? डर रहा है टफी? टफी को हवा आएगी क्या? टफी का बर्थडे भी आ रहा है। टफी चलो बताओ, टफी का बर्थडे कब है? टफी का बर्थडे है 27 अप्रैल, इसी महीने में हमारा टफी 1 साल का हो जाएगा, है ना टफी? चलो ये देखो, मक्खी 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 मक्खी। तो ये हो रहा है दूध गर्म, शाम हो गई है, और आज मैं बनाएगी पेठा, और मम्मी मुझे आम दे देना थोड़ी सी तोड़ के, ठीक है? पेठा बनाएंगे, और मैं अपने लिए बनाऊंगी चीला। चीले के लिए मैंने एक मेरा और एक सब्जी के लिए मैं अभी का चॉप कर दूंगी ये सब, और ये अभी सब्जी बनेगी। वहाँ वीडियो हो रही है, और ये रहा ना, आपको ये दिखेगा बस पूरे टाइम, 4-5 दिन ये दिखेगा, टफी का आए, टफी आए, टफी यही कर रहा है टफी। तो प्लीज़ कोई बोर मत होना, क्योंकि आज यही रहेगा। देखो मैंने ऐसे टॉप पहना हुआ है, क्योंकि मैं ना ऐसे ही थी, अभी बहुत रिलैक्स रही मैं। आज फर्स्ट डे था, तो आज मैंने ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि आज फर्स्ट डे था, तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया एक्स्ट्रा, कुछ भी मतलब ना अपना कोई भी कोलैब किया। और कल से हम गए थे मंदिर में, तो काफ़ी थकान भी हो गई थी, तो मुझे था कि एक दिन मैं रेस्ट करूंगी, तो मैंने आज पूरा दिन रेस्ट किया, सिर्फ खाया और फ़ोन चलाया, फिर खाया और फ़ोन चलाया, सो दोपहर में सोई नहीं थी। अच्छा मौसम था, मुझे लगा बारिश होगी, बट नहीं हुई थी। और अभी पापा भी आने वाले हैं, इसलिए हम कर रहे हैं तैयारी खाने की, और मैं बनाऊंगी चीला। आप लोगों ने देखा हुआ है आज, उसको मूंग दाल का नहीं बनाऊंगी, सूजी को बनाऊंगी, उसका बेसन का बनाऊंगी। सूजी का भी किसी दिन दिखा दूंगी, पर बेसन में डलती है वैसे तो सूजी, सूजी का ना वो नहीं बनता, सूजी का क्या बनता है वो, सूजी पाए ऐसा, एप्पल पाए बोलते हैं ना वो, बोलते हैं कुछ सूजी को, मम्मी क्या बोलते हैं, डोन वो मीठे मीठे होते ना सूजी के, वो चलो दिखाऊंगी तो बता दूंगी। अभी फिलहाल हम बना रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो बहुत छोटी बने या मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई खास, मैं बता रही थी ना आपको, क्योंकि आज मैंने कुछ किया है नहीं, बस ऐसे ही हूँ सुबह से टॉप वॉप में। कौन आया टफी? और फिर दिखाती हूँ क्या बनाया मैं आज आपको, दिखाऊंगी कि हमने पेठी सब्जी कैसे बनाई, मतलब एक न्यू रेसिपी, शायद आप लोगों को आती हो, लेकिन अपना अपना तरीका मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डल गया है जीरा। अभी देखो मैं ऐसे करती, अब मैं आराम से खड़ी हूँ। ये क्या है? तो इसमें और डाल दी जीरे के बाद मेथी, सौंफ और मेथी, ठीक है? सौंफ मेथी जीरा, तीन चीजें डल गई है ऑयल में, तेज कर दो गैस। उसके बाद हम ऑनियन डालेंगे, और जो पेठे की सब्जी थी इसमें पेठे के साथ हमने एक आम भी काटी है, जो कच्चा आम होता है वो भी काटा है। और अभी तक ये सोटे नहीं होते, ब्राउन नहीं होते, उसके ब्राउन होने के बाद ही हम डालेंगे इसमें टमाटो, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
ओनियन होने के बाद टमाटो डाल दिए हैं और जो बेसिक मसाले आप घर में होते हैं कि हल्दी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, सब धनिया जो भी होता है धनिया मसाला वो सब हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से तब तक ये हो जाता पक जाता है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें पेठा। मिक्स कर दिया है हमने सब्जी को और इसमें हम बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, पानी डलता ही नहीं है, सूखी बनती है बिल्कुल। और इसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है गुड़, थोड़े से गुड़ को हमने ऐसे पीसेस में कट कर दिया है, उसके बाद सब्जी में डाल देंगे। खट्टी मीठी बनेगी, खट्टी थी इसमें आम भी और मीठा हो गया गुड़, तो टेस्ट जो है ना चटपटा सा आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई है हमारी डैडी, अब हम कुकर में स्टोव लगाने के लिए इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ मेरा बन रहा है चीला, गोल है रेडी, ये इस वाले पैन में मैं बनाऊंगी। अभी मैं चीला अभी अपना डालूंगी, इससे पहले मैं आपको एक न्यू चीज़ सिखाती हूँ। तो मम्मी ने मुझे आज ही बताया कि डायरेक्ट ऑयल मत डाला कर तवे पे, सबसे पहले ना ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग भी बनाओ थोड़ा सा नया तरीका मैं सिखाती हूँ, ऐसे हल्के से बोल थोड़ा पानी ले लो एंड पानी को इस पर डिप कर दो। थोड़ा सा पानी डिप होने के बाद अच्छे साफ कपड़े से उस पैन को अच्छे से पोंछो। और अब बिना ऑयल के, ऑयलिंग की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अब आप अपने जो आपका मिक्सचर है अगर आप बना रहे हो तो डायरेक्ट आप डाल सकते हो, वरना मैं क्या करती हूँ पहले बहुत ऑयल डालती हूँ हमेशा। है रेडी और एक यहाँ बन रहा है, तो दो खाऊंगी विद दही और चटनी के साथ। अब ये बन गई है और थोड़ा सा ना मैश कर लो चम्मच से, ताकि जो ग्रेवी है ना वो ज़्यादा आए और ज़्यादा जूसी जूसी सब्जी हो जाए। रेडी है और यहाँ मेरे चीले भी दोनों रेडी हैं, हैंड हो गया है डिनर तैयार। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ अपना खाना और टफी को इतना पसंद आया ना, देखो यहीं पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल इसको इतना पसंद आ गया है टफी। टफी और खाना है, अभी यहीं पे खड़ा हुआ है, अभी हमें नई मूवी देखने के लिए सर्च कर रहे हैं कि कौन सी अब देखेंगे। टाइम हो गया रात के 8:15, बढ़िया से करेंगे, पापा फिर आएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ध्यान पूरा चीले पे है, पूरा चीले पे ध्यान है, इसको भी चीला खाना है ना। तो अभी दिखाते हैं कौन आया मिलने रात को, और टफी देखो सबसे पहले तो इसको ही मिलने, ताला भी लगा था हमने सोने के लिए। एक दिन भी ना रुकोगे अगले दिन ही आगे हैं, इतनी लेट आए अगले दिन में चलो मिलने। हाँ मिलने टफी, चलो जीजू से मिल लो, आ जाओ टफी। ओके ओके ठीक है ठीक है। पार्सल दिन आए थे इतनी रात को, बाय कर दो टफी, बाय कर दो टफी मंदी। टफी के साथ खेलेंगे छुपन छुपाई, टफी को बहुत अच्छे से छुपना होता है। टफी आएगा बाहर दीदी के साथ और छुप जा दीवांशु, ये यहीं पे रहेगा मेरे साथ, है ना टफी, है ना ठीक है, बुला ले
फिर ढूंढो दीपू कहाँ है, दीपू कहाँ है, ढूंढो दीपू कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ गया, ढूंढो टफी ढूंढो टफी ढूंढो, दीपू कहाँ गया, दीपू कहाँ गया, ढूंढो 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 कहाँ गया, ओए जल्दी टफी दीपू कहाँ है, टफी दीपू कहाँ है, टफी दीपू दीपू कहाँ है, देख लो। तो हमारे टफी को छुपन छुपाए खेलने भी आती, जल्दी ढूंढो टफी, वहां पे नहीं आ जाओ, कहाँ है, नहीं मिला, ओए दीपू टफी दीपू टफी दीपू कहाँ गया, मैं ऊपर दीवारों पे देख, दीवारों पे चला गया, दीवारों पे चढ़ गया टफी, दीवारों पे चढ़ गया, बोला दीपू कहाँ है, दीपू ढूंढो जल्दी जल्दी ढूंढो कंबल में सूंघ रहा है, कंबल में तो नहीं बैठा, बोल बोल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है टफी, बहुत अच्छा बच्चा है टफी, घूम करते कहाँ गए कोमल, टफी ढूंढो ढूंढो कहाँ गए, ओ कोमल कहाँ, हाँ गई, कौन बोलियो, कौन बोल, कोमल कहाँ गई, कहाँ है टफी, कोमल टफी कौन का है, कौन बोल से सोच बना रही, बोलियो टफी बोलती रहे बोली बंदूक दी थी रात को, दी थी कॉल चुकी थी, तब तो मिली थी, तब तो मिली मुझे तो लेगा, मुझे तो लेगा, मुझे तो पाला, मुझे तो पाला, और टफी सो रहा है हमारे पास, और टफी महाराज सजादे का यहाँ पे बेड बिछाया जा रहा है, बेड के साथ साथ इसको हम लगाएंगे मॉस्किटो नेट ताकि इसको एक भी मच्छर ना काटे और इसका खून ना पिए, और वो हमारा पीता रहता पूरे दिन, टफी यहाँ आओ, चलो अब देखना कैसे सोएगा, ये सब दिखाऊंगी मैं, ठीक है, ये देखना बिल्कुल हम बैठ जाते हैं इसको देखना महाराज को, चलो टफी की है, टफी सोएगा, जाओ टफी चलो इसको और खेलना है टफी को, टफी बोल रहा है और छुप जाओ मुझे और खेलना है, और हमारी भी लग गई है मॉस्किटो नेट, हमारी ना ऐसी गोल वाली है तंबू वाली इसकी दीपू की, और इसकी भी ऐसी थी बट इसने बिल्कुल भी वो दो दिन नहीं यूज की, उसमें से क्या करा ऐसे कूद गया और बिल्कुल फट गई, तो इसके लिए पुराना जुगाड़ हमने लगा दिया है, और आज इसको और खेलना है टफी, कल खेलेंगे और टफू और कल खेलेंगे, छो जाओ पूछे नहीं नहीं सोएगा आज पूरे व्लॉग में, बस टफी टफी है, वैसे नॉर्मल होता था खाना किचन और ये वो खाना किचन, ये आ गए वो आ गए, और अब है सिर्फ टफी 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 टफी, अब मम्मी और टफी खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई, टफी यहाँ पे और मम्मी वहाँ पे, और अब देखना ये क्या होगा, ये रात को खेल चल रहा है हमारे घर और ये है हमारी ऑडियंस, ओह अरे तू मैं कहाँ गई, ढूंढो कहाँ है मम्मी, चलो ढूंढो मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, ओ ये रही, ओ
ये नहीं सोने वाला आज, ना ये खुद सोएगा और ना हमें सुनेगा। नहीं सोएगा हैं? ये करते से कि हमारा टफी कर। चलो बहुत लो मम्मी, लो मम्मी, लो लो मम्मी, चलो ऊपर ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो चलो दबा 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 हाँ हाँ चल चलो सो जाओ, मच्छर काट रहे हैं कर रही हो। अंदर फेस कर ले टफी, गुस्सा हो गया ये बिल्कुल। तो ये हमारा एक ये और एक ये, दोनों को अपनी अपनी जगह मिल चुकी है। ओके गाइस, तो अब हम भी आ गए हैं अपने मॉस्किटो नेट के अंदर एंड टाइम टू स्लीप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। और टफी भी सोने की पूरी पूरी तैयारी में है। टफी टफी ठीक है, करते हैं गुड नाइट, बाय बाय। ओके टफी बैठ जाओ, सो जाओ। एलेक्सा गुड नाइट। लाइट ऑफ होने के बाद ही सोएगा, उसको पता है कि गुड नाइट हो गई है। ओके एलेक्सा बाय बाय गाइस।